देखा नहीं होगा, पुराना वीडियो होगा, अब नया यूट्यूब पर कौन से डालूंगा। विद्यासागर है, एम्स पटना में पढ़ता है, एम्स पटना, एम्स करना तो उसका सपना ही होता है ना, नीट हो जाए, नीट में भी एम्स हो जाएगा तो बातें कुछ और। तो क्या जानना चाहोगे? सीक्रेट होता है ना, सीक्रेट होता है आपका सक्सेस का, सीक्रेट होता है। सीक्रेट क्या है? ऐसा क्या ज्ञान सक्सेस, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। क्या होता है सीक्रेट ऑफ सक्सेस? सीक्रेट ऑफ सक्सेस मेरे नजर में जानते क्या है? क्या होता है? हार्ड वर्क, मेहनत। और कोई सीक्रेट नहीं होता है दुनिया में। लोग सीक्रेट के पीछे भागते रहते हैं, कोई ट्रिक मिल जाए, कोई तरीका मिल जाए, और वो ढूंढते ढूंढते कहीं कुछ नहीं मिलता है उसको। अंत में पता चलता है कि यही एक तरीका है जो करना जरूरी होता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग मेहनत करते हैं, है कि नहीं? उसमें से बेस्ट कैसे आउटपुट लिया जाए, कैसे इस फिजिक्स में जाया था तो मात्र 40 नंबर इसको आया था, जब तक नहीं आया था मेरे पास 40, मात्र 40। जब रिजल्ट हुआ तो 161 नंबर फिजिक्स उस समय, और जो इस बैच में था तो 20 में नंबर था, 19 पर था बैच में। इसका क्या कहना है पता है? सुनोगे? इसका क्या कहना है? इसका कहना है कि इतना दिया माँ बाप ने जितना मेरी औकात नहीं, ये तो सब मेरे ग्रेविटी फिजिक्स एस कुमार सर का देन है, वरना मेरे में से कोई बात है। तो ओवर टू विद्यासागर, ताली बजाओ। एंड हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नए साल सक्सेस का। मैं बोलना क्या बोलना था, ठीक है? और मैं 2019 में क्या था उस टाइम, आपको क्या कहते हैं ना, एमसी एग्जाम अलग होता था, ठीक है ना? मेरा ऑल इंडिया रैंक 8 से 12 था, कैटेगरी रैंक 162 था ओबीसी रैंक। और मैं फिजिक्स में 99.76% था, ऑल ऑफ इंडिया था 99.74। और मैं छोटू सबसे पहले यही बोलूँगा ना, देखो मेहनत वो चीज़ है ना, कहीं ना कहीं कामयाब हो ही जाता जो चीज़ सोचोगे, ठीक है ना? कभी भी मैं जब यहाँ फिजिक्स पढ़ने के आया था ना, मुझे एक भैया बोला था, ठीक है, जो पीएम सेठ ने कहा कि तुम ग्रेविटी फिजिक्स क्लास चल जाओ। अभी सीट का स्टडी किया है, इसके बारे में बताएगा सर। यहाँ पे पहले तो इस क्लास में पढ़ाते थे, पढ़ा रहा बच्चा के बैठने का जगह नहीं रहता था, ब्रांच पे जब स्टूल लेकर खड़ा होकर पढ़ना पड़ता था। सबसे पहले मैं यही कहूँगा आप लोगों को, देखो जितने सर पढ़ा रहे हैं ना वो चीज़ पहले अच्छे से सुनो, देखो पहले नोट के चक्कर, नोट तो ऐसे दे ही देंगे सर, नोट के चक्कर होता है ना, कुछ कुछ चीज़ होता है ना, कंसेप्ट होता है। फिजिक्स क्या था, कंसेप्चुअल चीज़ होता है, उसमें कंसेप्ट आना जरूरी है, ठीक है ना? फिजिक्स में एक चीज़ ध्यान रखो, जब तक सर पढ़ा रहे हैं ना वो चीज़ को पहले अच्छे सुनो सर क्या कर रहे हैं, ठीक है ना? अब दो काफ़ी हरम फिजिक्स में रखो, जब क्लास आते हो एक डाफ और एक जो आप बनाते हो नोट वह रखना। मैं बता रहा हूँ ये चीज़ आपको, वह चीज़ करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप करो क्या है ना, तो जैसे सर पढ़ा रहे वो चीज़ सुनो, क्या वो कंसेप्ट बन गए, उतारना नहीं है तो दूसरों साहब जो काफ़ी एडजस्ट कर सकते हो ना। एक बार आपको चीज़ वो कंसेप्ट बन गया ना, वो चीज़ सर अभी आप लिखो ना, मिट भी गया ना, वैसे अपने से लिख सकते हो, बना सकते हो ये चीज़ सब, ठीक है ना?
तो सबसे पहले क्या ना अच्छे से पहले सुनो सर क्या करें, जो क्वेश्चन होता है ना, जो नोटबुक में क्वेश्चन क्या रहता वो क्वेश्चन आपके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। उसी क्वेश्चन से आपको एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आप नोटबुक के क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करते हैं वही लेवल आप नोट पढ़ते तब ना कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन बना दीजिए क्या, तो उस सारा नोट का जितना क्वेश्चन उसको पहले एक दो बार तीन बार चार बार पाँच बार ट्राई करो, ठीक है ना। आप देखो ना कि मैं यदि 50 क्वेश्चन है ना कुछ कुछ क्वेश्चन क्या होता है ना नोटबुक से आपको कुछ कुछ क्वेश्चन सबसे पहले वो करना होगा जो क्वेश्चन है करना। अब जितना नोटबुक के सारा क्वेश्चन है ना वो सारा क्वेश्चन आप बना रहे हैं, जितना क्वेश्चन आप बनाओगे ना वो आदमी का फायदा होगा। आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना जैसे जाके सला देखा हुआ क्वेश्चन है जितने साल आपको पढ़ा रहे नोटबुक तैयार करना, एक ही नोटबुक को मैं ये नहीं बोलता हूँ क्या 50 बुक बनाओ, 50 बुक बनाओगे तो होता है ना सिलेक्शन बहुत कम ही होता है, ठीक है ना। सिलेक्शन ऑल ऑफ इंडिया में बीबीएस का कितना सीट है, 32 है, हो जाए ना मान के चलो पूरे इतना ही है, ठीक है ना। उसके बाद प्राइवेट है, प्राइवेट में तो पार लगेगा नहीं नॉर्मल आदमी को। तो सबसे पहले क्या करें उस एक ही नोटबुक में एक ही बनाओगे इससे बार बार बनाओ, बार बार एक क्वेश्चन एक बार बनाने से आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा, ठीक है। एक बार बनाने से आपका रिजल्ट कभी ना होगा। इस नोटबुक के कम से कम एग्जाम तक आप 10 बार कम से कम बनाओ, जो क्वेश्चन दोबारा बना लिए ना तो सिर्फ फिर ठीक है क्वेश्चन आपको आता है ना तो उस क्वेश्चन पर इतना ध्यान दे दो, फिर एग्जाम समय आएगा ना क्वेश्चन पे देखो एक से दो बार देखो, जो क्वेश्चन आपको टफ लगा उसको बार बार देखो मैं कहाँ गलती किया। और मैं दो कॉपी के इसीलिए मैं बात कर रहा था आपको कि जो सर आपने क्वेश्चन निकाला ना उस क्वेश्चन को क्या करो आप अपना रफ वाला कॉपी जो है ना उसमें अपना खुद ट्राई करो, वो भी मत देखो कि सर क्या बता रहे हैं पहले, ठीक है ना। जो क्वेश्चन सर दिखा दें सर 5 मिनट बना क्वेश्चन, ठीक है ना, वो स्पीड में करना कि क्वेश्चन आपको बनेगा। यदि नहीं बना तब देखना कि मैं कहाँ गलती किया, फिजिक्स में सबसे चीज़ एक चीज़ होता है डेरिवेशन सीखना, जब तक डेरिवेशन नहीं सीखोगे ना तब तक तुम्हारा भैया फिजिक्स में फंस जाओगे, फंस जाओ क्योंकि तुम्हारा फॉर्मूला यदि हर इतना देखो हर केस पे हर एप्लीकेशन पर बहुत सारा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं करोगे। डेरिवेशन है इसमें से तुम एक डेरिवेशन करोगे 5 फॉर्मूला जो भी फॉर्मूला तुमको भूल गया ना तो डेरिवेशन करो तुम कौन फॉर्मूला कर कौन अभी पुट कर दो तुरंत निकल जाए। फिजिक्स क्या ना बहुत सारा सारा फिजिक्स में जितना सारा नोटबुक में जितना भी हम क्वेश्चन इस क्वेश्चन से एक भी बाहर नहीं जाएगा आपको, उसको तरीका होता है पढ़ने का, समझ में आया बात पढ़ने का तरीका होता है। आप लोग क्या कीजिए इतना इतना मोटा बुक बनाते हैं जी 5 साल में भी खत्म नहीं होगा, एक बार यदि बनाने से रिजल्ट हो जाता तो चीज पैसे बता दो सब कर लेता, ऐसा होता नहीं, आपको बार बार बनाना पड़ेगा। तो जितने सर नोटबुक जितने पैकेज दे रहा है उसको अच्छे से कवर करना और जो सर का वो बात फॉलो करना है, ठीक है ना। और मैं यही कहूँगा ना सर के नोटबुक के साथ साथ एनसीईआरटी को भी बोलना है, सारा चीज एनसीईआरटी सर लिखा ही देगा आपको, ठीक है ना, हर चीज़ एनसीईआरटी लिखा देंगे हर चीज़ नोटबुक डालो। मतलब एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग देना जरूर, फिजिक्स के भी देना जरूरी है एनसीईआरटी की रीडिंग, नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा। और मैं यही कहूँगा एनसीईआरटी का सोल्यूशन आता है ना खबरों का एनसीईआरटी का रीडिंग बोल रहे देना तो ठीक है वो देता है बहुत तो एक तरीके से बोरिंग टाइप होता है, तो आप किस तरीके से उसको मतलब चाहते हो? और सबसे पहले होता है ना देखो एनसीईआरटी भी मान चलो अभी क्या चल रहा है एनसीईआरटी जब पढ़े ना एनसीईआरटी को ठीक है ना हर चीज को रीडिंग देना जरूरी है। एनसीईआरटी भी कोई भी चीज पढ़ते ना एनसीईआरटी कोई भी चीज आपको जैसे कोई भी चीज बोरिंग लगता है ना उस चीज को अंडरलाइन करो, ठीक है ना। जो चीज उस चीज को अंडरलाइन करना सीखो बार बार, एक बार आप कोई भी बुक पढ़ोगे कोई भी एनसीईआरटी कोई भी चैप्टर हो तो आपको बोरिंग टाइप का लगेगा, आपको उसको 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ोगे ना वो आपको तब कभी नहीं बोरिंग लगेगा। और उस चीज़ को सीखने करो, उसको जैसे इंग्लिश में उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो,
कि मैं कहाँ फंस रहा हूँ, ठीक है, तो एक बार दो बार तीन बार चार बार करूँगी ना, अब कभी बोलेंगे बोलिंग तभी होता ना, एक बार बच्चा देखता है ऐसे पलट के देख देता है, हमको कोई समझ ही नहीं आता, अरे इसमें से सीखोगे तब ना आपको बोलिंग छूटेगा, अब सीखने की कोशिश तो करो ना, तब कभी दिक्कत नहीं आ पाएगी, हाँ सीखो कोशिश करो अभी आप पहले एनसीईआरटी आप देखो एनसीईआरटी में आप बायोलॉजी के एनसीईआरटी की बात करोगे ना, इसमें दो चीज एनसीईआरटी जो बुक बना है वो छुपा दिया गया है, क्या क्या मैं बताता हूँ, इसमें एक एनसीईआरटी ने जहाँ बायोलॉजी ने एग्जाम को दिया ना उसका फिगर छुपा लिया, जिसका फिगर दिया उसका एग्जाम को छुपा लिया, एनसीईआरटी दो ही चीज़ किया, हर टीचर एनसीईआरटी लिखा था मना को दिन एक्स्ट्रा एग्जाम को लिखा था एक्स्ट्रा फिगर बनाता है, क्यों ये दो चीज़ एनसीईआरटी छुपा के चला है, और मैं यही कहूँगा ना फिजिक्स के भी थोड़ी आप पढ़ के जितना सर पढ़ाएंगे ना उतनी तो हिंदी भी जैसे हिंदी के साथ लिखा हुआ सर जी आपको जो हिंदी मीडियम को देना नहीं है हिंदी से मिल गया तब वो एक बार में दो बार तीन बार चार बार पाँच बार करोगे कभी आपको बोरिंग नहीं कभी भी नहीं लगेगा, और आप यदि बोरिंग लगे ना तो आप नहीं गलती है तो उसको बार बार नहीं बार बार पढ़ना पड़ेगा, और कोई भी एन सी आर टी को आप उसको क्या करना है कुल मिला के कहानी क्या है मैं समझाता हूँ, कहानी ये कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि अगर ये कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, बात समझ में आई, ये कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, इसमें दुनिया में ऐसा शख्स कहता है देयर इज नो रॉन्ग वे टू डू समथिंग राइट और देयर इज नो राइट वे टू समथिंग रॉन्ग का क्या मतलब हुआ, यानी अगर कोई जैसे तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी तरीके से करो, कोई रॉन्ग मेथड नहीं होता है, जैसे करना है वैसे करो, लेकिन करो मतलब देयर इज नो राइट वे डू समथिंग रॉन्ग एंड देयर इज नो रॉन्ग वे टू डू समथिंग राइट, अब समझ आया कि नहीं, फिर से समझाता हूं, देयर इज नो रॉन्ग वे टू डू समथिंग राइट और देयर इज नो राइट वे टू समथिंग रॉन्ग, कहने का मतलब कड़ी मेहनत करेंगे रिजल्ट तो पक्का होगा जबरदस्त, ताली बजाओ ताली। अब क्या क्या तीनों के एग्जाम में मैं देखा हूँ, अब तीनों में दो सेक्शन कर दिया सेक्शन ही सेक्शन भी, ठीक है ना, लेट से आया हो ये विद्यासागर है एम्स पटना में पढ़ता है, पिछले साल का पुराना स्टूडेंट है मेरा, आया तो भेंट करने के लिए, चलो तुम बच्चे सबसे इंट्रोड्यूस भी करा देता हूँ, कहते खरबूजे खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, तो क्या होता है ना देखोगे तो इंडक्शन पढ़ाएंगे तो इंड्यूस्ड सुना होता समझते हैं, किसी को नाखून काटते हुए देखोगे तो अपना नाखून याद आ जाता है, किसी को अचार खाते हुए देखोगे तो मुंह में पानी भी लगता है, उसी तरह से एम्स के डॉक्टर देख कितना और ये एक कहानी है ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का, पहले पढ़ने रखे सही सी नीचे बैठा लेकिन धीरे 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 नजर में आने लगा पढ़ाई करने लगा बढ़िया से, एक ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की कहानी तुमको दिखाने के लिए बताया, एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट कैसे इतना कम 40 नंबर होता है वो भी तुम कॉन्सेप्ट से आया 40 नंबर, जब इसको फिजिक्स आया था पढ़ने में इतना नंबर आया था पूरे हिंदुस्तान में लगभग सब जगह पढ़िए लिया पूरे हिंदुस्तान में सब जगह पढ़िए लिया वहां भी पढ़ लिया वहां भी पढ़ लिया वहां भी पढ़ लिया, एक फाइनल टच नहीं हो पा रहा, फाइनल टच एकदम बूम से बूम मारा है एम्स में, हो गया एम्स का उसमें अलग एग्जाम होता था, एम्स का उसमें नीट के साथ एग्जाम नहीं होता था, एम्स का अलग एग्जाम पूरा एम्स पर लिखा गया है ना, मजे की बात सवाल है ना छोटू, सेक्शन भी सेक्शन भी करके दिया हुआ ठीक है ना, उसमें टेन तो वही है क्वेश्चन का क्या हुआ पाँच क्वेश्चन क्या पढ़ा दिया वो चीज को देखना, उससे टेन वही है क्वेश्चन बढ़ाया हुआ ठीक है ना, उसमें क्या इस बार मैं देखा क्वेश्चन सब उसको सर जो बच्चा सर का नोट सर के बाद सुना होगा ना एक भी क्वेश्चन उसको फिजिक्स में छुटा होगा ठीक है ना, यदि आपको लगा फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ रहा होगा फिजिक्स का ठीक है ना, उस लेवल पे यदि नीट एग्जाम है जेबी एग्जाम है उस लेवल क्या आपको तैयारी करना ही पड़ेगा, और कम समय यही बोलूँगा आप लोग से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जेबी बच्चा और नीट का बच्चा जो भी हो कि आप लोग पढ़ के फिजिक्स में 40 क्वेश्चन बनाते हैं जो मेरे से झूठ बोलोगे इसका आंसर होगा कभी कभी छोड़ जाते नहीं करते क्वेश्चन भी बनाते कितना मिनट आपको संचालित करके बनाते हैं पढ़ते ये देखो ये बात होता है आप थोड़ी करो बहुत अच्छी बात है ठीक है थोड़ी भी करो ठीक है ना, मैं ये कहना चाहता हूँ 15
जो पूछना पड़ा उसी पे रिपीट कर दो, लेकिन वो क्या हुआ ना आपको बना रहेगा, ठीक है ना, वैसा नहीं कीजिए, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, कम से कम पीछे से नहीं होगा ना, एक तो सीट में नहीं होगा क्वेश्चन होगा सर किसी में पूरा आपका लेवल जब मिला के 10,000 पर क्वेश्चन होगा, आपको तो बनाना ही पड़ेगा। और साथ में चीज़ आप और अच्छा चीज़ हम लोग भी जो मैं आपको टेस्ट देते हैं, ये 80 क्वेश्चन का भी अभी भी नहीं, आप टेस्ट देने की कोई जरूरत ही नहीं, फिजिक्स के केमिस्ट्री आप बाद में यहीं पास हो, यही आके दो ना, ठीक है ना, और एनसीआर भी खाली यही पूरा आपको भी लगना कि एनसीआरटी नहीं पढ़ो, बायोकेमिस्ट्री एनसीआरटी से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा, कोई भी जो प्लेयर भी मान होता अगर 5 क्वेश्चन एनसीआरटी से बाहर जाए, 5 क्वेश्चन बाहर हम उसको ले जाएंगे, ये भी होता है ना, हां तो सही बात है, पहले एनसीआरटी से 85 क्वेश्चन आता ना, तो 5 दिन में सोचना, पहले 85 के करीब पहुंचे, ठीक है ना, मेरा एक तो 5 के करीब क्या, अरे मेरे छूटेगा तो सब छूटेगा, कॉन्फिडेंस अपना अंदर में, मेरे छूटेगा तो सब छूटेगा, जो मेरे से नहीं छूटा किसी से नहीं छूटा, ठीक है, वो रखो अंदर में, तैयारी ऐसा है, एग्जाम ऐसा किया ना तो अटेंटिव होने से तैयारी किया जाता है, शिथिल लोग आज पढ़े कल पढ़े सब कम ही होगा, अब तो पर डे 7-8 घंटा पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पढ़ना है, देखो कितना पढ़ना है, सब बोलने लगे अगल बगल वाला पागल हो गया, इतना कहीं आदमी पढ़ता है क्या, सर समझना ठीक है, पागल हो गया है, इतना कहीं आदमी पढ़ता है क्या, हमें उतना पढ़ लेंगे अगर पता नहीं बना कटे में रखी नहीं बना के मम्मी पापा बोल रहे थे थोड़ा सा खाओ छोड़ लो कितना करोगे, समझना समझे कि नहीं, समझना कैसे है, मैं भी नहीं समझ टीचर लेवल है ना, तो केमिस्ट्री पास हो गया सर, ये खुद से कर केमिस्ट्री अच्छा टीचर लेवल है, क्योंकि टीचर से पूछो नहीं पूछा था, आज का जमाना है कौन सा अच्छी मारो कौन सा आपको पता चल जाएगा, और जब डाउट होता है ना तो हर चीज के काम को नहीं लगता, फिजिकल केमिस्ट्री क्या फिजिक्स का है, ठीक है, देखो टेस्ट करो आपको फॉर्मूला याद है, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री कितना है, आपको लगता है फिजिकल केमिस्ट्री एनसीईआरटी से बाहर गया होगा ना, आपको पता नहीं कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर निकला, यही अंतिम में यही मंत्र है तुम लोगों के लिए, क्या मतलब समझ में आया, देखो ना इंटेलिजेंट होना है ना घुसखोर होना है, वो सब अलग अपने जगह, बगल वाला बोलने लगे मम्मी पापा बोलने लगे दोस्त बोले चलो थोड़ा सा तो ना फिर पकता है, नहीं समझ में आया, जब सब बोलने लगे कि अब थोड़ा कम करो तब समझ गया, ज्यादा हो गया तब जाओ और खा लो तब समझ में आएगी सही जा रहे हैं, तब रिजल्ट हो जाएगा, और उसके बगैर भी हो सकता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसमें जरूर हो जाएगा, जब मम्मी पापा बोलने लगे कि थोड़ा सा खा लो तब पढ़ना, मतलब है समझ आया कि जब आप क्योंकि हम लोग जहाँ छोड़ रहे हैं ना, मैं दो बार हूँ, ठीक है ना, एक बार मैं आई थी कानपुर में सील बांध सकते सीट के दर्द, मैं जहाँ से मैं आप लोग बड़ा हूँ ना वहाँ से कोई भी इंसान सोच भी नहीं सकता कि बाहर जाके पढ़ो, ठीक है ना, मेहनत वो चीज़ है, मेहनत तो वो चीज़ है ना थोड़ा सा लाता है, जम के मेहनत करो, दुनियादारी छोड़ दो, मैं क्या होता नहीं होता, और मैं कहा के जा रहा हूँ ना, ये विद्यासागर ने इंडिया का सबसे बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बनाया, यस guts, confidence, मेहनत करने का जज्बा बोलते हैं। खुद पर होने वाला है अभी। देखिए ना बात। हम लोग एडमिशन में अभी एक साल का सालाना खर्च कितना है जानता है? 8,040 रुपये। एडमिशन का 1,100 रुपया लिया था। 8,000 रुपये कम है मतलब कैसे हो जाता है? सरकार कितना खर्च करती है तैयारी करने पर? कॉलेज में मजा हम लोग कहाँ लेते हैं? कॉलेज के चलते हम से तो उपराम में किनारे। मतलब जब पढ़ने आया था तब देख कैसे क्रेजी होता, क्रेजी देखने से लग रहा है कि बच्चा डिफरेंट है ना, क्रेजी क्रेजी अभी भी क्रेजी है, जम के साथ पढ़ो ठीक है ना, अभी तो कुछ ना हो तो अभी एक प्रोग्राम हम करा रहे हैं, इसमें ढेर सारा बच्चा हम का ढेर सारा बच्चा को लाएंगे, प्रोग्राम करा रहे हैं, पूरा कोविड को देख रहा हूं, बहुत हो रहा है, और
इधर कम से कम 50 डॉक्टर से मिला है, 50 इंजीनियर से मिला देते हैं जो आ जाता है उससे मिला देते जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों के इम्तिहान अभी बाकी है, नाम दिया है हमने मुट्ठी भर जमीन हमने आगे और आसमान है, आराम से पढ़ो और जिसको बायो और केमिस्ट्री एनसीईआरटी से एक भी बार नहीं जाना ठीक है, पूरे फुली एनसीईआरटी करो यार, एनसीईआरटी पढ़ोगे आपका काम हो जाएगा ठीक है ना, आप इधर उधर नहीं जाओ ठीक है, एनसीईआरटी करो, फिजिक्स में जितना सर नोट दे रहा है ना वो नोट कर तैयार करो, सबके बात सुनो, क्वेश्चन पूरे काम की करो, एक भी आपको तैयार करके क्वेश्चन नहीं छूटेगा ठीक है ना, इतना करो मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है और आप लोग आइए ठीक है ना, सब लोग दुनिया भर के जाओ ठीक है ना, अब तुम मेहनत करो, बाहर आप लोग एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ते ना, बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर मत पढ़ना, केमिस्ट्री एनसीईआरटी से बाहर ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी लेकर चलना और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का देखो कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो जाना चाहिए और इन टैक्स ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए एनसीईआरटी दो चीज कवर कर लो, अरे जितना एनसीईआरटी दिया है क्वेश्चन वो क्वेश्चन कवर कर लोगे ना केमिस्ट्री या बायो में, आप तो इसी बताओ बायो का एक्सरसाइज क्वेश्चन होना चाहिए हां हां बिल्कुल होना चाहिए ठीक है ना, आप जब एग्जाम टाइम में क्या होता है ना कि एग्जाम टाइम में थोड़ी नहीं पढ़ा रहता, आप एक चैप्टर पढ़ो बायो 10 दिन में आती है पेज कैसे पढ़ोगे, जो क्वेश्चन बना के हमको क्या करता है क्वेश्चन लिख लेते हैं क्या नीचे में आंसर एनसीईआरटी ढूंढ के लिख देते हैं ठीक है ना, वही क्वेश्चन एग्जाम टाइम में एग्जाम से 10-15 दिन पहले 10 क्वेश्चन आता है 10 पूरे खत्म हो जाएगा 2 घंटा 1 घंटा ठीक है, ये तो पॉसिबल है क्या 1 घंटा में एनसीईआरटी पढ़ो 2 घंटा में पढ़ो ऐसा नहीं होता, फिर वो आप क्वेश्चन बनाओ जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है उस चीज़ को करो ठीक है ना, इसी तरह से बायो में 5 टॉपिक है ना सॉरी 5 चैप्टर अधिक बढ़ाता है उससे आपको कम से कम 65 क्वेश्चन आता है ठीक है ना, जैसे यूनिट फर्स्ट होता है जिसमें डाइवर्सिटी आपका आता है, उसके बाद यूनिट फोर्थ आता है प्लांट फिजियोलॉजी, यूनिट फिफ्थ ह्यूमन फिजियोलॉजी और यूनिट सेवन हमें है ना उसका जेनेटिक्स है ना, और एक यूनिट लास्ट में पॉइंट उसको इकोलॉजी, ये सिर्फ 65 क्वेश्चन आता है, और आपको देखो फिजिक्स में क्या होता है ना जितना सर आपको नोटबुक साथ में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन नोटबुक कापी से 40 क्वेश्चन सब ठंडा क्लियर है, मेहनत चलेगा।